हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ योगेश कुमार। स्वागत है आपका बुंदेलखंड एम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन की, और इस सीरीज का ये पार्ट 29 है। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जुबली का महमूद किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है ए महमूद खिलजी, बी महमूद गजनवी, सी महमूद तुगलक, डी महमूद खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी को जुबली का महमूद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर दो है, महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? ऑप्शन है ए खुरासान, बी काबुल, सी गजनी, डी गांधार। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी गजनी का शासक था, जो आधुनिक अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर तीन है, सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश, डी महमूद गजनवी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर चार है, भारत में सर्वप्रथम किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर पाँच है, किस शासक के सिक्कों पर अमीर महमूद लिखा है? ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी महमूद खिलजी, सी मोहम्मद गौरी, डी महमूद तुगलक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी के सिक्कों पर अमीर महमूद लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर छह हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? ऑप्शन है ए 10 बार, बी 12 बार, सी 16 बार, डी 17 बार। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर सात है, महमूद गजनवी ने सातवां आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ऑप्शन है ए सोमनाथ मंदिर, बी ज्वाला देवी मंदिर, सी चक्रास्वामी मंदिर, डी मथुरा के मंदिर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी ने सातवां आक्रमण नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर के विरुद्ध आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर आठ है, महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ऑप्शन है ए त्रिलोचन पाल, बी आनंद पाल, सी चक्रास्वामी मंदिर, डी सोमनाथ मंदिर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर नौ है, इनमें से कौन महमूद गजनवी का दरबारी कवि नहीं था? ऑप्शन है ए हसन निजामी, बी अल उतबी, सी फिरदौस, डी अल बरूनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हसन निजामी महमूद गजनवी का दरबारी कवि नहीं था। क्वेश्चन नंबर दस है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1028 ईस्वी, बी 1029 ईस्वी, सी 1030 ईस्वी, डी 1035 ईस्वी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, तबकात ए नासिरी की रचनाकार कौन था? ऑप्शन है ए अलबरूनी, बी फिरदौस, सी मंसूरी, डी मिनहाज उस सिराज। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तबकात ए नासिरी का रचनाकार मिनहाज उस सिराज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तराइन के युद्धों का वर्णन किस ग्रंथ में विस्तार से किया गया है? ऑप्शन है ए तहकीक ए हिंद, बी तबकात ए नासिरी, सी पृथ्वीराज नासो, डी बाबरनामा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबकात ए नासिरी में तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन विस्तार से किया गया है, परंतु पृथ्वीराज रासो में स्पष्ट रूप से तराइन युद्ध की जानकारी
नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद गौरी का शासक कौन था? ऑप्शन है ए काबुल, बी खुरासान, सी घौर, डी सीस्तान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित और घौर प्रांत का शासक था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद गौरी की राजधानी नहीं थी? ऑप्शन है ए गजनी, बी हैरात, सी फिरोजपुर, डी पेशावर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी की राजधानी पेशावर में नहीं थी, बाकी तीनों जगह थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? ऑप्शन है ए मूलराज द्वितीय, बी खुसरो मलिक, सी जयचंद, डी पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें मूलराज द्वितीय की मां नायिका देवी के नेतृत्व वाली सेना ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? ऑप्शन है ए 1192 ईस्वी, बी 1193 ईस्वी, सी 1191 ईस्वी, डी 1194 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1194 ईस्वी, बी 1192 ईस्वी, सी 1191 ईस्वी, डी 1193 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1197 ईस्वी, बी 1193 ईस्वी, सी 1196 ईस्वी, डी 1194 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद की पराजय और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था? ऑप्शन है ए ताजुद्दीन यल्दूज ने, बी बख्तियार खिलजी ने, सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या डी मोहम्मद गौरी ने। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, ताजुल मासिर ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए हसन निजामी, बी मिन्हाज उज सिराज, सी अल उतवी, डी अल बैहाकी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हसन निजामी को ताजुल मासिर ग्रंथ का रचनाकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? ऑप्शन है ए भारत की खोज, बी बहरी तारीख ए फिरोजशाही, डी तारीख ए मुबारकशाही। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारीख ए फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बरनी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन है ए फारसी, बी उर्दू, सी संस्कृत, डी अरबी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ख्वाजैनुल फतूह ग्रंथ का रचनाकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए अल उतवी को, बी खुसरो शाह को, सी अमीर खुसरो को, डी अमीर खान नूहानी को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजैनुल फतूह ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, रहला किसकी रचना है? ऑप्शन है ए वास्कुटगामा, बी इब्न बतूता, सी अल मसूदी, डी अबू बकर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में रहला नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था? ऑप्शन है ए 1200 से 1517 ईस्वी, बी 1204 से 1526 ईस्वी,
सी 1240 से 1530 ईस्वी, डी 1206 से 1526 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया था? ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 9, डी 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन खिलजी, सी बख्तियार खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी रजिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी नहीं थी? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी आगरा, सी लाहौर, डी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी में नहीं थी, बाकी तीनों जगह थी, दिल्ली, आगरा और लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासनकाल था? ऑप्शन है ए 1204 ईस्वी से 1320 ईस्वी, बी 1200 से 1284 ईस्वी, सी 1206 से 1290 ईस्वी, डी 1205 से 1295 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य में था। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, आपने कुछ नया सीखा भी होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।